तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आप बिना किसी ग्रीन शीट के OBS की हेल्प से अपने वीडियो का बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं। सो अगर आपके लैपटॉप या PC में OBS इंस्टॉल है और आप भी आपके वीडियो का बैकग्राउंड बिना किसी ग्रीन शीट के रिमूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर हमें OBS की हेल्प से अपने वीडियो को बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए हमें कुछ प्लगइन्स डाउनलोड करने होंगे। उसके लिए हमें आना होगा इस वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको जाना है गो टू डाउनलोड्स पे। वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा गो टू डाउनलोड्स का बटन। तो आपको सिंपली गो टू डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा ये नीचे असेट्स। यहाँ असेट्स पर आकर के आपको क्लिक करना है OBS बैकग्राउंड रिमूवल पर। इस पर क्लिक करेंगे या अगर आपके पास विंडोज है और अगर आपके पास मैक है तो आप इस नीचे वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोडिंग पर लग जाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये डाउनलोडिंग के लिए आ चुका है और मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है तो इसे मैं अभी पॉज कर देती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे अपने डाउनलोड्स में और जो हमारा जो फोल्डर आया है उसे हम करेंगे अनजिप। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फोल्डर है अब इसे हमें करना हुआ एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इस पर क्लिक करेंगे इस फोल्डर पर और फिर यहाँ से करेंगे हम इसे एक्सट्रैक्ट। हमें क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट ऑल पर और यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि हमें इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके कहाँ पहुँचाना है। तो जैसे मैंने एक लोकेशन सिलेक्ट कर रखी है, मुझे इसे यहीं पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया इसे एक्सट्रैक्ट पर। अब ये कुछ टाइम एक्सट्रैक्ट हो जाएगी पूरी तरह से। सो फ्रेंड्स देखिए, अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट करके जो फाइल्स हमें मिली है इन्हें हमें कॉपी करना है और जो ओरिजिनल OBS की लोकेशन है वहां पर इन्हें जाकर पेस्ट करना है। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपना OBS जो है वो डाउनलोड कर रखा था ड्राइव डी में, तो बस मैं यहाँ पर गई और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगी पेस्ट। सो फ्रेंड्स, पहले से मैंने इसे पेस्ट कर रखा है इसलिए मैं अभी पेस्ट यहाँ पर नहीं कर रही हूँ इसे। पर आपने पेस्ट नहीं किया हुआ तो इसलिए आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, वहां से कॉपी और यहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है। तभी आप OBS की हेल्प से आपके वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे। अब इसके बाद ये सब जो स्टेप हम कर लेंगे उसके बाद हमें जाना है OBS पर सिंपली। अब OBS पर अब हमें देखना है कि हम बैकग्राउंड रिमूव कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम वेबकैम की हेल्प से अपना वीडियो कैप्चर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली जाना है प्लस पर और सिलेक्ट करना है वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, जो कि मेरा वेबकैम। तो अब ये मेरा वीडियो कैप्चर करने लग जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा वीडियो कैप्चर होने लग गया है। अब हम इस वीडियो को थोड़ा कॉन्फिगर भी कर सकते हैं, उसे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसकी क्वालिटीज को, जैसे ब्राइटनेस, सेचुरेशन, जो भी चीज हमें एडजस्ट करनी है यहाँ से हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी मैं इसे ऐसे छोड़ देती हूँ। तो फिर देखिए, अब मैं वीडियो कैप्चर डिवाइस आ चुका है, मेरी वीडियो यहाँ पर दिख रही है। अब मुझे ये करना है, मुझे अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमारे जो वीडियो कैप्चर डिवाइस है उस पर क्लिक करना है। फिर हम जाएंगे फिल्टर्स पर। फिल्टर्स पर जाने के बाद आपको ये ऑडियो वीडियो फिल्टर्स जो दिख रहा है इस पर जाने के बाद आपको करना है प्लस पर क्लिक और यहाँ पर आपको दिखेगा बैकग्राउंड रिमूवल। आपको सिंपली बैकग्राउंड रिमूवल पर क्लिक करना है और देखिए आपके वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी एडजस्टमेंट्स करने तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आपको और रिमूव करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं इसे बिल्कुल जीरो कर दूँ तो ये पूरा रिमूव कर देता है। तो अब देखिए, मुझे थोड़ा ज्यादा सही रखना है, ठीक ठीक कि मैं पूरी दिखूँ, तो मैंने इसे यहाँ तक कर दिया। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, बाउंड्री बाउंड्री आपको स्मूथ रखनी है, कैसे रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे स्मूथ रखनी है तो मैं इसे पूरा फुल कर देती हूँ, स्मूथ बाउंड्री अच्छी लगती है। और अगर मैं इसे जीरो कर दूंगी तो देखिए बाउंड्री कैसी रफ सी हो गई, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। तो हम अपनी बाउंड्री को स्मूथ ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, और फ्रेंड्स आगे हमें क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, फिर हमें क्रोमा की भी अप्लाई करनी है। तो उसके लिए जो हमारा कलर है जो अभी ब्लैक दिख रहा है उसे हम करेंगे ग्रीन। अब हमने कलर कर दिया ग्रीन, अभी थोड़ा सही दिख रहा है, जैसे अब इससे हम क्या करेंगे ना, क्रोमा की आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो बस अब हमें इसे करना है क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सही दिख रहा है। अब बैकग्राउंड जो मेरा पहला पुराना बैकग्राउंड था वो रिमूव अच्छे से हो चुका है। अब मुझे ये करना है, अब करना है क्रोमा की अप्लाई। तो फिर से जाऊंगी मैं फिल्टर्स पर और अब इस बार हमें देखिए इफेक्ट फिल्टर्स पर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है प्लस पर। प्लस पर जाने के बाद आपको देखिएगा क्रोमा की। क्रोमा की पर जाने के बाद आपको ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, अब हमारा बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से रिमूव हो चुका है। तो बस ये सारी जो सेटिंग्स है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कोई चेंज करने की हमें जरूरत है नहीं। तो बस क्लोज किया, अब देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब पढ़ा रहे होते हैं यूट्यूब पर तो उनके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिखता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, केवल वो दिखते हैं और पीछे कोई भी बुक है या कुछ भी कंटेंट है वो दिखता है। तो बिल्कुल वैसा ही अभी हमारा हो चुका है, बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हमें कुछ अच्छा बैकग्राउंड अगर ऐड करना है, अगर आप चाहते हैं कोई स्क्रीन ऐड करना चाहते हैं, कोई वर्चुअल बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, कोई फोटो या सीनरी, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें सिंपली मीडिया सोर्स ऐड करना है। मीडिया सोर्स ऐड करने के बाद
कोई भी चीज, कोई भी फोटो या वीडियो जो आप चाहते हैं आपकी इमेज के पीछे दिखे, वो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं इस चीज को फ्लावर्स ऐड करना चाहती हूँ अपने वीडियो के पीछे, तो बस सिंपली मैं फ्लावर्स पे क्लिक करूंगी और क्लिक करूंगी ओके पर। तो फ्रेंड्स देखिए फ्लावर्स आ चुके हैं, और करना क्या है, इसे हमें अपने ऊपर ले जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे यहाँ पर ले जा रही हूँ तो ये मेरे को कवर कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना हुआ, हमें मीडिया सोर्स को वीडियो कैप्चर डिवाइस के पीछे रखना हुआ। अब देखिए, अब मैं जब इसे नीचे ले जाऊंगी, अब देखिए अब इसने मुझे कवर नहीं किया, अब ये बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है जिस तरीके से आना चाहिए। अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा यहाँ से कर लेंगे, और साथ में ये जो स्पेस है उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली ऑल्ट दबाना है, और ऑल्ट दबा के आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी ऑल्ट करना है, ऑल्ट दबाना है आपको, और फिर बस देखिए इसका साइज अच्छे से चेंज इस तरीके से हो जाता है। जैसे कि देखिए इसका वीडियो कैप्चर डिवाइस का भी हम यहाँ से सही कर सकते हैं, तो देखिए अब ये भी बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। यहाँ पर भी हम ऑल्ट दबा के थोड़ा कम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये काफी अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, पहले मैंने जो भी बैकग्राउंड था वो हट चुका है, और अभी इतना सुंदर सा फ्लावर्स वाला बैकग्राउंड अब आ चुका है, तो ये जो काफी अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है उसका बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे आराम से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए फ्रेंड्स देखिए पहले हम ये वीडियो कैप्चर डिवाइस हटा लेते हैं अपना, और डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस भी हम हटा लेते हैं, और मीडिया सोर्स में जाकर के हम कोई मीडिया सोर्स को भी फिलहाल हम हटा ही लेते हैं। तो फिर हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे मीडिया सोर्स पर, और फिर मीडिया सोर्स में जाकर के हमें उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसका हमें जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। तो हमें यहाँ पे लूप पर क्लिक करना है, उसके बाद फ्रेंड्स ब्राउज करके हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका भी हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मुझे इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मुझे ये करना है, मुझे इस वीडियो का बैकग्राउंड करना है रिमूव, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, फिर से हमारे को वही स्टेप फॉलो करने हैं, मीडिया सोर्स पर क्लिक करना है, फिल्टर्स पर जाना है, फिल्टर्स पर जाने के बाद हमें क्लिक करना है बैकग्राउंड रिमूवल पर। बैकग्राउंड रिमूवल के बाद देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, और कलर जो हमें रखना है वो रखना है हमें ग्रीन। ओके अब इसका देखिए फ्रेंड्स बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसका बैकग्राउंड अब रिमूव हो चुका है, अब मुझे कुछ और लगाना है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक और मीडिया सोर्स चाहिए, पर उससे पहले हम इस पर क्रोमा की कर लेते हैं, पहले इसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ क्रोमा की पर, क्रोमा की पर अप्लाई हो गया है, देखिए क्रोमा की अच्छे से अप्लाई हो चुका है, ये जो पीछे का जो भी बैकग्राउंड था वो अच्छे से रिमूव हो चुका है, तो अब बस हम इसे क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए अब ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब हमें करना क्या है, अब हमें एक मीडिया सोर्स ऐड करना है, तो हम क्लिक करेंगे मीडिया सोर्स पर। मीडिया सोर्स पर जाने के बाद हमें करना है एक फाइल को सिलेक्ट, तो हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, तो अब ये मेरे जो वीडियो है उसके पीछे आ जाएगी। देखिए अब ये अब मुझे कवर कर रही है, अब ये मुझे कवर नहीं करे, इसके लिए मुझे ये करना है, इसीलिए मुझे इसे पीछे रखना है अपने वीडियो के। अब देखिए फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये, और पूरी तरह से जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हमें इसे स्टार्टिंग पर जल लाना है, स्टार्टिंग पर लाने के बाद आपको ओबीएस में यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको आपके वीडियो को भी स्टार्ट करना है, फिर आपका ये वीडियो है पूरा नए बैकग्राउंड के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर उसे आपको जहां पर भी अपलोड करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ओबीएस की हेल्प से किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड आराम से रिमूव कर सकते हैं, और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो फ्रेंड्स क्या आपको समझ में आया, ओबीएस की हेल्प से आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया और अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।